side and I'm wondering, Iyaka Nalabu, Iyaka Nastayan. Kable Ram, Minister Excise, Naim Bajai Sahib, Secretary, Secondary Education, Sheikh Khan Bajai Sahib, Secretary, Higher Education, Hashim Khan Khilji Sahib, Director of Schools, Vaid Shakir Sahib, Nawzada Aminullah Rahsani Sahib, Kable Izzat, DEOs, male, female, education ke, department ke, Kable Ehtiram, Mulazmeen, employees, aur aaj ke mehmanan aur CTSP ke wo asatza jo aaj appoint ho rahe hain aur uske ilawa deegar muazzin, assalamu alaikum. Jaisa ke mere doston ne bahut kuch kaha hai aur maine pehli dafa apne secretary Sheikh Khan Bajai Sahib ko takreer karte suna hai, main bahut impress hua hu. Maine bahut kuch unse unke sath kaam karte hue seekha hai kyunki wo ek bahut senior bureaucrat hai aur main politician hu. Hamare aur unke kaam karne ka tareeka kar bahut mukhtalif hota hai. मगर मैंने देखा कि उसने एक ब्रिज का काम किया कि अपने उसने जो गवर्नमेंट के कानून रूल्स रेगुलेशंस तरीका का और फिर हम लोगों की जो कमिटमेंट है आवाम के साथ असातजा के साथ. मेरी गुजारिश है मोबाइल के लिए अगर आप लोगों को इतनी जरूरत है तो बाहर जाके बात कर लें प्लीज अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर लें. ये मोबाइल्स के लिए आप लोगों के लिए नहीं तकरीब हो रही है. तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन्होंने इस तरह से इसको मैनेज किया और उधर हाशिम साहब को हाई सेकेंडरी की जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी उन्होंने जिस तरह इसको निभाया और मुझे यकीन है कि कुछ दिनों के बाद हाशिम साहब भी इतनी बड़ी तकरीब करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा में ज़्यादा जितनी जॉब्स दे सकें. क्योंकि मेरा ईमान है कि जब तक हम सही टीचर्स नहीं देंगे, ट्रेन टीचर्स नहीं देंगे और उन लोगों को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे जब तक वो अपने को उस्ताद नहीं समझे, टीचर नहीं समझे. मैं ये आप लोगों को बता देता हूं कि जब तक मैं मिनिस्टर हूं मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कब तक मिनिस्टर हूं. मगर मैं ये आप लोगों को बता देता हूं कि जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मेरे पास है उस वक्त तक टीचिंग के सिलसिले में मेरे सेक्रेटरीज भी गवाह होंगे कि हमने हतुलवसा कोशिश की है कि उसको मेरिट्स पे हम उस पर काम करें. हम फरिश्ते नहीं हैं. मगर मैं ये आपको बता दूं CTSP वाले अगर हैं तो उनको हल्फिया
अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कभी उनसे मस्जिद में पूछ ले लेना, अगर कोई नमाज पढ़ता हो तो आपको मिल जाए वहां पे। तो क्या मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर ने टीचिंग स्टाफ में कभी भी मुदाखलत की है? कभी नहीं की होगी और न करने दी होगी। और अगर किसने की भी तो ये मैं आपसे ऐद करके यहां से जा रहा हूं, वो कम से कम मेरे वक्त में डिपार्टमेंट में नहीं रहेगा। मगर मैं आपको ये सनद देने से पहले आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूंगा, इससे पहले आप जो भी थे, जिस हैसियत में थे, जो आपका किरदार था, मैं उसको डिस्कस नहीं करता। मगर आज के बाद इस माशरे ने, इस सूबे ने और अल्लाह की तरफ से आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है जिसका नाम है उस्ताद। मैं खुद शुरान के स्कूल में बेसिकली जब शुरू में क्लास 5 तक मैंने वहीं तालीम हासिल की है, टाट के स्कूल पे तालीम हासिल की है। मेरे हेडमास्टर थे उस वक्त शुरान का स्कूल, मिडिल स्कूल था, वो लाहौर यूनिवर्सिटी से आए और जो ब्लेजर उसने पहना हुआ था उस पर भी यूनिवर्सिटी का बैज लगा हुआ था। वो वहां से ताजे ताजे निकल के आए थे, वहां पे पहली अपॉइंटमेंट थी उनकी शुरान में। और जब मैं कब फेडरल मिनिस्टर बना था याद है आपको? किसी भी 2001 में जब मैं फेडरल मिनिस्टर बना 2001 में, तो एक दिन मुझे रिक्वेस्ट आई के जी लॉ कॉलेज रावलपिंडी के वाइस प्रिंसिपल तारिक साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं सरदारिंद का टीचर हूं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैंने अपनी जब मेमोरी रिकॉल की तो फौरन मुझे अपने उस्ताद मोहतरम याद आए। मैंने कहा नहीं, मैं उनको ऑफिस नहीं बुलाता, मैं उनको अपने, उस वक्त मैं बलूचिस्तान हाउस में था, मैंने कहा नहीं मैं उनको घर पे बुला लेता हूँ, जाती जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मैं बुलाता हूँ। उनको अपने ऑफिस में बुलाना मैंने उनकी इंसल्ट समझी, बेइज्जती समझी। आप यकीन करें जब वो रात को मुझसे खुदाफिस करके जा रहे थे तो 2-3 लॉयर्स भी थे, स्टूडेंट्स वकला भी थे उनके साथ। जब मैं उनको गाड़ी तक छोड़ने गया और उनका दरवाजा खोल के मैंने कहा सर आप बैठे, तो उनके मैंने देखा कि आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटे जब मैंने इनको बताया कि मैं सरदार यारमंद के पास जा रहा हूं और मेरे क्लास 1 में स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि सर आप कहाँ क्लास 1 और आज का कहाँ का फेडरल मिनिस्टर, कहाँ से वो आपको पहचानेगा, वो शायद आपको पहचाने भी नहीं। उसने कहा था नहीं, मैं जब शोरान में था और शोरान के लोगों ने जिस मोहब्बत और जिस प्यार के साथ मुझे वहाँ से रुख्सत किया था, मुझे यकीन है कि मेरा शागिर्द भी मुझे वैसे ही रुख्सत करेगा। तो आज आपने जो मुझे इज्जत दी है और मेरा मान मेरे शागिर्दों के सामने रखा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो बिलीव मी कि उनके आंखों में भी आंसू थे और मेरे आंखों में भी आंसू थे। तो आज मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इससे पहले आप कुछ थे, शागिर्द होंगे नेचुरली, 99% शागिर्द ही होंगे। वो वक्त अलहदा था, वो टाइम अलहदा था, हर चीज का एक वक्त होता है। जब बच्चा माँ की गोद में होता है वो भी वक्त होता है,
और जब वो लहर में उतार रहे होते हैं वो भी एक वक्त होता है, एक टाइम पीरियड होता है पूरा। अब आप उस वक्त से गुजर रहे हैं जहां बलूचिस्तान के लोगों ने, बलूचिस्तान की हुकूमत ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। आप यकीन जाने, मुझे दुख होता है जब हम सुनते हैं कि ये गवर्नमेंट की तनख्वाह है। भाई आपको किसने कहा गवर्नमेंट की तनख्वाह है? ये कैसे आपने तस्वर कर लिया कि ये गवर्नमेंट की तनख्वाह है? क्या ये यूएस एड से पैसे आते हैं? क्या ये भीख में पैसे मिलते हैं? नहीं, ये इस मुल्क के और बलूचिस्तान के अवाम की खून पसीने की कमाई है जो आपको मिलती है, और आपको जॉब भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है और एहतराम भी मिलता है। मैं आज उन बच्चे और बच्चियों से ये तवक्का रखता हूं और मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज के बाद जब आप यहां से रुखसत हो रहे हो तो आपकी चाल, आपकी सोच, आपकी दिमाग, आपकी बातचीत करने का अंदाज एक उस्ताद का होना चाहिए, एक शागिर्द स्टूडेंट का नहीं। और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैं और मेरी ख्वाहिश है नौकरियां देने नहीं, मैं उन वज़रा या उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं कहूं कि जैसे भी और मैं लोगों को नौकरी दूं, ओबलाइज करूं, उन पे एहसान करूं, कभी भी नहीं। हां,